लेकिन ये तो बताओ जा कहाँ रही हो? न्यू बंगलो, जंगल के बीच में। कोई नया बंगलो है? मैंने तो कभी नहीं देखा। सब लोग मास्क बन जाओ, मेहमान आते ही होंगे। वेलकम वेलकम, आज हमारी पार्टी का थीम है एलियंस। सब लोग एक एक मास्क पहन लो। जो इस ऑडिशन में जीतेगा उसे ये इंटरनेशनल एड मिलेगा। अरे ये तो जिंजू लग रहा है। तुम चुलबुल हो ना? कौन चुलबुल? अरे जल्दी से मास्क पहनो, पार्टी शुरू हो रही है। कॉन्ग्रेट्स, मुबारक हो। हम अपने प्लैनेट के सारे लोगों को इस धरती पे बुला लेंगे। अभी कुछ देर में एक और ग्रुप आ रहा है। अभी तक इमली और उसके पापा नहीं आए, पता नहीं कहाँ रह गए। अजी बंटी और उसके पापा भी अभी तक नहीं आए जी, वो भी एड फिल्म के शूट के लिए गए थे। वीर तुम जाके चेक करो और मुझसे फोन पे टच में रहना। ओके दादाजी। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। ये तो जिंटू जैसा दिख रहा है। बदन तो जिंटू का ही है लेकिन चेहरा अलग है। वो इमली और वो चुलबुल। आखिर ये चक्कर क्या है? और बाकी सब छोटे गोल गोल फुटबॉल जैसे हैं। दादाजी ये लोग धरती के नहीं लग रहे हैं। ये जरूर एलियंस है लेकिन इनका बदन इंसानों का है। एक जिंटू जैसा तो दूसरा चुलबुल और वो इमली। इन लोगों ने इंसानों का बदन किसी तरह ले लिया है। मैंने इनके बारे में कहीं पढ़ा है, ये बॉडी लेस एलियंस है। लगता है ये इंसानों की बॉडी पे कंट्रोल कर रहे हैं। वेलकम दोस्तों, सब लोग टेबल से उठा के एक एक मास्क पहन लो। इस पार्टी का थीम एलियंस है। पार्टी के साथ ही ऑडिशन चल रहा है। नहीं ये मास्क मत पहनो वरना तुम सब भी एलियंस बन जाओगे। इमली इमली जिंटू चुलबुल ये मास्क उतारो जल्दी। तुम कौन हो बच्चे? अच्छाई का दोस्त बुराई का दुश्मन। नाम है वीर, वीर द रोबो बॉय। क्या हुआ मुन्नू, क्यों रो रहे हो? फालतू गंज के लड़कों ने मेरे पैसे छीन लिए, वो रहे सामने। तुम में से जिसके पास मुन्नू के पैसे हैं, वो उसे वापस दे दो जल्दी। तू है कौन? चला बल्ला दिन के जिन की तरह गायब हो जाए यहाँ से। अगर मैं सब लोगों को बता दिया कि तुमने मुन्नू के पैसे छीने हैं तो सब लोग तुमको मार के पैसे निकाल ही लेंगे। दादाजी आप ठीक है ना? क्या हुआ था? हाँ वीर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओ लैब का दरवाजा तो खुला है। दादाजी हार्ड डिस्क तो चोरी हो गई है। वीर हार्ड डिस्क में एक ट्रैकिंग डिवाइस है जिससे हमें उसकी लोकेशन की जानकारी मिल सकती है। जल्दी से स्पेसशिप में बैठ जाओ।
वो देखो, ट्रेन की इस कोच में हमारी हार्ड डिस्क है। हमें जल्दी से उस डायरेक्शन में ट्रेन का पीछा करना चाहिए। आप तो चलते फिरती यूनिवर्सिटी हैं, फिर आप पढ़ाना क्यों चाहते हैं? Because I love eating. मेरे मतलब है teaching. ओ, तो ये बात है। फिर तो आपको अभी के अभी ये नौकरी दी जाती है। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको स्टूडेंट्स और टीचर्स से मिला देता हूँ। बच्चों, ये तुम्हारे टेम्पररी टीचर हैं। मिस्टर शर्मा, आप इस क्लास को पढ़ाइए। लंच ब्रेक में सब टीचर्स से आपकी मुलाकात होगी। ओके सर। ये तो जिंटू के जैसा लग रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जिंटू का कोई भरोसा नहीं, वो तुम्हारे करीब रहने के लिए कुछ भी कर सकता है। ओके बच्चों, एक लाइन से अपना नाम बोलो। सर। अच्छा छोड़ो, नाम पूछ के क्या फायदा, मैं तो टेम्पररी टीचर हूँ, नाम याद ही नहीं रहेगा। अच्छा बताओ, क्लास में सबसे स्मार्ट लड़का कौन है? अच्छा छोड़ो, जान के क्या फायदा। हाँ तो ये बताओ, पढ़ाई में सबसे तेज लड़का कौन है? अच्छा छोड़ो, क्या फायदा, मैं तो टेम्पररी हूँ। सर, वीर है, ये जो मेरे बगल में बैठा है। वीर, तुम खड़े क्यों नहीं हुए? क्योंकि अपनी तारीफ अपने आप करना अच्छी बात नहीं होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, लेकिन अब खड़े हो जाओ, क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ। लो, तुम खाओगी? ये तीर तो बंटी बेटे, अब तुम्हें मजा चखाता हूँ। ए तुम, तुम्हारा नाम क्या है? बंटी। और तुम लोग जो हंस रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? केकी। केकी। हाँ, तो तुम लोग बेंच पे जाके खड़े हो जाओ। क्यों? क्यों सर, क्यों? क्योंकि स्कूल में फोन लाना मना है और तुम लोगों की जेब में फोन है। नहीं सर, हमारे पास कोई फोन नहीं है। तो देखो अपनी पॉकेट्स में। सर, ये पक्का जिंटू ही है, अभी बताता हूँ इसे। ये क्या कर रहे हो जिंटू, वापस जाओ। कौन जिंटू, किसकी बात कर रहे हो तुम? सॉरी सॉरी सर, मैं कुछ और कहना चाह रहा था। ये लंच ब्रेक कब होगा? जब घंटी बजेगी सर। सर, जरा चाट खाने चले। हाँ चलो चलो। रोबो बॉय सूट ऑन। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ओ नो, इसकी याददाश्त फिर चली गई। जिंटू अपना सर दो, एक टपली मारनी है। खबरदार मेरे सिर को छुआ तो। फिर कोशिश करता हूँ। दोस्तों, इसे सबक सिखा दो, ये मुझे मार रहा है। ये लो, ये भी लो, ये भी लो। दोस्तों, अब कहाँ चले?
पिकनिक वालों के पास चलो, उनके पास बहुत खाना पीना अभी भी होगा। चलो रुक जाओ चिंटू, मैं कहता हूँ रुक जाओ, अभी मस्ती मजाक बहुत हो गया। चिंटू भी हमेशा मुसीबत क्रिएट करता है, अभी जाके उसे ठीक करता हूँ। ये कौन है? इस इलाके में नया लगता है। एक्सक्यूज मी, अरे ये तो फिर आ गए, अब क्या होगा? कोई बाहर मत आना। ये कैसे जानवर है? जैसे भी वो दिख तो टेस्टी रहे। लेट्स पार्टी। वीर, चिंटू, वीर को बुलाओ। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अरे वाह, कितना मजा आ गया, ये तो काफी मजेदार है। ये वीर जल्दी आओ। चिंटू ये क्या है? वीर बचाओ, निकालो मुझे इससे, टिम्बकटू ने सबको ऐसे ही बबल में फंसा रखा है, जल्दी से फोड़ दो ये। चुलबुल घबराना मत, वेट हियर, मैं अभी आया। साथी है, इसकी और वीर की नहीं जमती है। वाओ, ये चॉकलेट मुझे मिल जाए तो मजा आ जाएगा। बंटी, वीर कहाँ है? काश मैं उसे ऐसा सबक सिखा पाता कि वो मुझे कभी तंग नहीं करता। अरे अरे अरे, जाओ, आज से वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। मैं उसे ऐसा सबक सिखा दूंगा कि वो हमेशा याद रखेगा।
मेरा वादा है तुमसे। अंकल थैंक यू। पंकी बेटा, क्या मैं वो चॉकलेट टेस्ट कर सकता हूँ? व्हाई नॉट अंकल। अंकल भूलना मत, उसे ऐसा सबक सिखाना है कि वो मुझे कभी तंग ना करे। हाँ हाँ, तुम जाओ, आराम से जाओ, मैं अभी कुछ करता हूँ। सुनो, वीर को ऐसा सबक सिखाना है कि वो बंटी को कभी तंग ना करे। हम तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम कभी बंटी को तंग नहीं करोगे। क्या हुआ वीर? चड्ढा अंकल ये कह रहे हैं कि ये वीर को सबक सिखाएंगे, वीर कभी बंटी को तंग ना करे। लेकिन मैंने तो बंटी को कभी तंग नहीं किया। ये वीर मेरा बच्चा है, मेरी गोद में पला बढ़ा है, इसकी जगह मुझे सबक दो। मुझे सबक सिखा दोगे तो बंटी को कभी कोई तंग नहीं करेगा। चलो सिखाओ मुझे सबक, वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। ठीक है, दोनों को साथ में ले चलो। तुम इन दोनों को छोड़ दो वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। बहुत चटर पटर कर रही है ये, इसे भी साथ ले चलो। ए, उन दोनों को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा।